इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वॉयलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशियरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वॉयलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दिस इज माई पर्सनल व्यू, इट स्टेम्स फ्रॉम बोथ ए ग्रॉस मिसरेप्रेजेंटेशन ऑफ द नेचर ऑफ द ओकेजन। यू आर सेलिब्रेटिंग इंडिया, द मदर ऑफ डेमोक्रेसीज, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड you want to disassociate yourself from that, you are disassociating yourself from India, from what is Indian civilization, culture and Indian democracy. I mean, in 1926, when this became the physical building of the Imperial Legislative Assembly, to 1947 till it was then, but in 1947, who was in power then? They're going back on their own past, and just because they want to oppose, because there is a, I don't know what the reasoning is, but I read out just now, and I'll read out to you again. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh and Sonia Gandhiji inaugurated the new assembly complex in Manipur. He was a prime minister. She was not even holding a constitutional office. But more than that, they've done it repeatedly. And then when I tweeted the other day, somebody turned around and said, नहीं नहीं वो तो पार्लियामेंट के एनेक्स और लाइब्रेरी को आप क्यों मिक्स कर रहे हो पार्लियामेंट के साथ। अरे भाई, आपने पार्लियामेंट बनाया होता तब भी वो भी आप ही ने करना था ना, अगर आपने बनाया होता। एक ने आपने बनाया नहीं, अब कम से कम ज्वाइन इन द सेलिब्रेशन, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट। वो मैसेज देने की राजनीति कर रहे हैं, वो मैसेज देने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ ठीक है, हार इतनी भयंकर हुई है कर्नाटक के अंदर, इसलिए वो जल्दी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, बताने के लिए सब कुछ ठीक ठाक है, और ठीक ठाक है नहीं। देखो, आई एम सरप्राइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ एन एलिगेशन। पार्टीज विच टुडे सी द राष्ट्रपति as a very eminent leader, particularly coming from tribal background, are the ones which undertook a very bitter campaign. I do not wish to recall the kind of words they used at that time. Leaders belonging to these very same opposition parties spoke ill of her, abused her, said that she is going to be a rubber stamp, said that she doesn't represent any of what the country needs, and she is representing evil forces. Obviously, they had the RSS in mind, and also said she is just not going to perform because she's chosen and she'll only be a rubber stamp. The very same people today also chose someone to contest against her. प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है, और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे, जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं, और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर
दूर हो जाते। दीज पीपल हैव नो वेनरेशन फॉर द पार्लियामेंट और द सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट। दे हैव They are talking about the president. They have boycotted the president's address numerous times. They have constantly been disrupting the parliament. They have been disrupting the rights of members to speak in the parliament, getting into wells, throwing things. They have absolutely no respect for the parliament. Now this is a great occasion for the country, and yet they play divisive politics. सबसे पहला ये सवाल हमने भी उठाया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटाली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को ना आरएसएस ना बीजेपी का कोई रिश्ता है ये बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है, लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल। देखिए, कांग्रेस और उनके साथ जो पार्टियां बहिष्कार कर रही है उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये केवल संसद भवन नहीं है, 140 करोड़ जनता की आस्था का यह मंदिर है और नए भारत की ताकत का ये एक प्रतीक है कि 3 या 4 साल में इतना बड़ा संसद भवन भारत बना सकता है, इसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। लेकिन इन नेताओं का दोगलापन देखिए, ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन करना चाहिए और इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। तो इंदिरा जी ने संसद की एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया, तब ये बात क्यों नहीं आई? महाराष्ट्र के विधान भवन का उद्घाटन इंदिरा जी ने किया, तब ये बात क्यों नहीं आई? राजू जी ने संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, उस समय ये बात क्यों नहीं आई? तमिलनाडु के विधानसभा के उद्घाटन में सोनिया जी थी, उस समय ये बात क्यों नहीं आई? नीतीश कुमार जी ने बिहार के विधान भवन का जो सेंट्रल हॉल है उसका उद्घाटन किया, तब राज्यपाल जी को क्यों नहीं बुलाया गया? मणिपुर के इम्फाल में मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने विधान भवन का उद्घाटन किया, तब तो फिर राज्यपाल जी को बुलाना चाहिए था, राज्यपाल जी को नहीं बुलाया गया। असम की विधानसभा का उद्घाटन कांग्रेस के तरुण गोगोई जी ने किया, राज्यपाल जी को न्योता नहीं दिया गया। आंध्र के मुख्यमंत्री ने 2018 में विधान भवन का उद्घाटन किया, राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। 2014 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहाँ के विधान भवन का उद्घाटन किया, राज्यपाल जी को न्योता भी नहीं दिया। सोनिया जी ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा का शिलान्यास किया, उस समय सोनिया जी तो मात्र संसद सदस्य थी, किसी पद पर नहीं थी, फिर तब बहिष्कार क्यों नहीं हुआ? तब राज्यपाल जी की याद क्यों नहीं आई? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने जो उनकी गोल्डन जुबली बिल्डिंग है उसका उद्घाटन किया, उस समय इस बात की याद क्यों नहीं आई? दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने
विधानसभा रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया, उपराज्यपाल को तो निमंत्रित भी नहीं किया। तेलंगाना में विधान भवन का उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री केसीआर ने किया, उस समय राज्यपाल जी को न्योता नहीं दिया। तो जब ये करेंगे तो लोकतांत्रिक, और प्रधानमंत्री मोदी जी जब नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं और जन जन की आस्था का प्रतीक इस प्रकार का संसद भवन जिसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है, ऐसे समय बहिष्कार की बात करना दोगलापन है, ये लोकतंत्र विरोधी है। इनको देश के साथ कोई लेन देन नहीं, देश के संविधान के साथ लेन देन नहीं, देश के लोकतंत्र के साथ लेन देन नहीं, ये केवल कुर्सी के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं। जी, सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। देखिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो हिस्टोरिकल इवेंट है, सब में पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ पॉलिटिक्स। दिस इज़ आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन ए सेंचुरी ए हिस्टोरिकल थिंग इज हैपनिंग। तो बॉयकॉटिंग एंड मेकिंग इशू आउट ऑफ ए नॉन इशू इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। I once again appeal them to reconsider their decision and kindly join in this historical function. And मैं सभी से आग्रह करता हूँ reconsider करके आप कृपया हाजिर हो। सर, वो कह रहे हैं राष्ट्रपति का अपमान है, इसलिए हमें जाने की पॉलिटिक्स के कारण है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है, और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए।